हाँ स्टार्ट सर। ये वेइंग मशीन आपको मिली है, राउंड 2003 डिजिटल वेइंग स्केल है। इसको आप इस तरीके से खोलेंगे, आराम से एकदम आपने डेलिकेट खोल लिया। हम तो इसको रेडी करके भेजते हैं, फिर भी सबसे पहले आपको इसका ये बैटरी पैनल खोलना है। ये बैटरी के स्विच है, एक तरफ केजी है और ये बीच में ऑफ है और उधर पाउंड है, तो ये केजी की तरफ करना है हमारे को सबसे पहले। जैसे ही आप करेंगे तो डिस्प्ले आ जाएगा, यहाँ केजी लिखा हुआ होना चाहिए। अगर ये गलती से उधर है स्विच तो ये पाउंड दिखाएगा, LB, इट विल शो यू पाउंड। ये बैटरी हटाने का ये तरीका है, ये बैटरी हट गई, ये इस तरीके से आप निकाल सकते हो बैटरी को, ऐसे कर। ये बैटरी ऐसे निकल गई और ऐसी लग जाएगी। पहले उस तरफ हुक में डालेंगे और फिर इसको प्रेस करेंगे और इसको अपने को जो है केजी की तरफ रखना है। यहाँ लिखा भी हुआ है केजी, ये देखिए आप ध्यान से, ये केजी लिखा हुआ है और ये आ गया केजी। इसके बाद इसको आप जहाँ भी रखें एक बार इसको कैलिब्रेट करना ज़रूरी है। पकड़ो उसको, ये वेइंग मशीन आ गई, एक बार इसको टेबल पे ऐसे प्रेस करके देख लीजिए, ये वेट आ रहा है, इसको नीचे रख लो। इस पर एक बार अपने को ये देखना है कि दरअसल तो फर्श पे जैसे कि हमने रखी है, और ये हार्ड फर्श होना चाहिए एकदम, और चारों तरफ से बराबर दबनी चाहिए। जैसे दबनी रही है यहाँ से, अभी बराबर ये अभी भी नहीं है, टक टक की आवाज़ आ रही है, ये अब बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर एक बार हम चढ़ेंगे, 76.3 आ गया, एक बार इससे उतर जाएंगे, ये कैलिब्रेट हो गया मशीन। एक बार ऑफ होने दें इसको, एक बार ये ऑफ होगी, ये ऑफ होने के बाद इस पर दोबारा आप चढ़ें, ये कैलिब्रेटेड है, 76.3 दिखा रही है। अगर वेरिएशन आ रहा है तो एक बार और उतर के एक बार और कैलिब्रेट कर लें, फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगली बार आप इसको उठा के फिर कहीं रखेंगे, आपको फिर इसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। तो ये तरीका है सर इसको यूज़ करने का। LO लिखा हुआ आ जाए तो मतलब बैटरी लो है, उसको बैटरी को आपको चेंज करना है। थैंक यू सर।